हाय स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है लाइट, यह सीबीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों में इंक्लूड किया गया है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और अदर्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एक्चुअली क्या होता है कि कहीं भी पॉइंट सोर्स से जब रे ऑफ लाइट आती है और वह उसी किसी रिफ्लेक्टर से या किसी बॉडी ऑप्टिक बॉडी से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं, तो उस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। माने रिटर्निंग बैक ऑफ जनरली लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए ऑप्टिक बॉडी और एनी रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक जनरल हम लोग रफ स्केच यदि ड्रॉ करें और ए बी को हम लोग एक रिफ्लेक्टर के तौर पर पकड़ें और ए आपका यदि ओ और पी इस पॉइंट को हम इस पी ओ पी को इंसिडेंट रे पकड़ें, ओ को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, तो ओ आर को हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज पकड़ लेंगे और ओ क्यू को हम लोग नॉर्मल एट द पॉइंट ओ पकड़ेंगे। तो देखेंगे कि जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह ऑलवेज इक्वल होगा आपका नॉर्मल और यह रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का। यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा एक यूनिक लॉस है, इसीलिए इसमें देखा गया है, इसमें लॉस में इनका जो नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर वन, ये है ही ऐसा। ये आई इसको पकड़ते हैं और इसको आर पकड़ते हैं। और नंबर दूसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये आपका नंबर टू लॉस है। ये दो नियम हैं जो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है या याद रखनी होगी कि जब कभी भी लाइट एक पॉइंट सोर्स से निकलता है तो वह क्या है कि उसी से माध्यम में, जैसे यहाँ आपका टकराया और फिर वापस चला गया, कुछ नियमों का पालन करते हुए, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह और भी ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ हम यदि देखते हैं तो उसका श्रेय सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही जाता है, क्योंकि उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होने के बाद वह जो रिफ्लेक्टेड रे है वह हमारे आँखों पर पड़ती है, में जाती है, और जिसके कारण हम उस बस किसी बॉडी को देख पाते हैं। तो यह रिफ्लेक्शन दो तरह से हो सकता है, नंबर एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे, एक जैसे इस तरह से रिफ्लेक्टर है, यह पूरा आपका प्लेन है, क्या है, प्लेन है पूरा, रेगुलर सरफेस है, यहाँ कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब किसी उबड़ खाबड़ जगह पे होगा तो उसमें यदि रिफ्लेक्शन होता है, उस प्लेस से यदि रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ, हमने बता ही दिया है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, या फिर आपको मैं बता दूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कभी किसी पॉइंट सोर्स से जब रे आती है और किसी बॉडी से टकराने के बाद फिर उसी वापस चली जाती है, तो इस पूरी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह से हो सकता है, एक रेगुलर और एक आपका इरेगुलर। मतलब रेगुलर यदि कोई भी लाइट किसी प्लेन सरफेस, प्लेन सतह से टकराती है और उसी फिर वापस चली जाती है उसी जगह से, उसी तरह से, उसी माध्यम में, तो आपका उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इरेगुलर मतलब कि वह बॉडी, वह लाइट आती है और आने के बाद वह यदि उस उबड़ खाबड़ जो जगह है जिसको रफ सरफेस हम लोग जनरली बोलते हैं, उससे टकराने के बाद फिर वह वापस चली जाए, तो वह हम उसको इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन के कारण, यह एक लाइट का गुण है,
रिफ्लेक्शन कि वह लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ही। और भी गुणे हैं लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इसका एक नियम है, दो नियम इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बना हुए हैं। नंबर एक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, नंबर एक। नंबर दूसरा जो है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी जो होंगे एक ही तल पे लाई होंगे, माने लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये आपका जैसे मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आई और इधर चली गई, तो ये एंगल जो नॉर्मल है ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपका जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों का जो मान है, जो वैल्यू है, वह हर्स में सेम रहेगा, वह कभी नहीं बदलता है। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यह होता है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यह सभी नाम से ही पता चलता है कि स्फीयर होगा, गोलाकार होगा। गोलाकार मतलब कि यदि कभी क्या होता है कि बाहर से वह पॉलिश्ड होता है, कभी वह अंदर से पॉलिश्ड होता है। जब वो बाहर से पॉलिश्ड होगा तो कनकेव मिरर बनेगा, और यदि जो वह अंदर से यदि पॉलिश्ड होगा, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, यदि वह रिफ्लेक्शन बाहर के फेस से होता है, माने जैसे मान लीजिए एक स्पून है, चम्मच है, इस तरह का हमने एक ड्रॉ किया है रफ स्केच, यदि वह अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर से रहता है, तो हम समझ जाएंगे वह आपका कनकेव मिरर है। और यदि वह बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, माने ऊपर जैसे ओवल टाइप का है, तो वहाँ से यदि रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है। एक छोटा हमने कोशिश किया है कि आपको जो टॉपिक है वह सही से मैं समझा पाऊँ, इसीलिए हमने कुछ बेसिक चीज़ आगे से पहले से लिख करके रखा है, क्योंकि मैं जब लिखने जाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा और हमारे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं यह देख रहा हूँ कि स्फेरिकल मिरर में जो लिखा हुआ क्या, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, माने अंदर की तरफ यदि हो बना हुआ, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो, अंदर की तरफ हो, तो उसे हम लोग क्या है, कनकेव मिरर बोलते हैं। आज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जब वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने जो रिफ्लेक्शन बाहर से हो, तो वह हम लोग बोलते हैं उसे कन्वेक्स मिरर। तो यह जो चीज़ें हैं वह समझने की बात है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए कि देखिए क्लास का मतलब है कि आप क्लास के अंदर ही रहते रहते ही समझ जाएँ। तो इसे क्या हुआ कि यह ध्यान रखिए, चम्मच सभी बच्चे को मालूम है, बचपन से ही आप चम्मच लेकर के खाते हुए आए हैं। तो चम्मच का जो जिससे इधर सामान उठता है जिधर, तो वह हो गया कनकेव, और जो बाहर में लगा हुआ है वह हो गया आपका कन्वेक्स। तो ध्यान रहा। और अब आगे चलते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है कि पहले ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मतलब देख रहे हैं कि कोई भी स्फीयर को काट करके बनाया गया होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक स्फीयर पकड़ें और यहाँ से इसे काट दें, यहाँ से काट दिया जाए, और ये वाला पोर्शन को खाली हम लोग लें, तो मतलब क्या है कि हमारा मिरर बन जाएगा, जनरली होगा ही। तो इस मिरर को हम लोग पकड़ते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा टर्म्स है जो आपको हर समय ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको पी पकड़ते हैं, सॉरी अभी मान लीजिए पी है, इसको मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एफ पकड़ते हैं और इसको पी पकड़ते हैं, यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं नोटेशन, पी ए एफ और इसका मान लेते हैं सी, ये दूर हो गया है, मान लीजिए चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कि मतलब क्या है कि कुछ सेंटर ऑफ माने देखिए नाम है, कुछ ऐसा टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यह जो आपका मिरर है यह जिस स्फीयर से काट करके निकला हुआ है, बनाया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है,
फिर ध्यान दीजिए, यह जो मिरर है जिस स्पीयर से काट करके बनाया हुआ है, उस स्पीयर का जो सेंटर है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसका नाम हम लोग दिए यह सी, इसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सी देते हैं, ठीक याद रहे। फिर से मैं बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ बड़ा हो गया है, यहाँ दे दिया गया है कि यह जो मिरर है जिस स्पीयर से काट के निकाला गया है, उस स्पीयर का जो सेंटर होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहते हैं। नंबर दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जहाँ कर्वेचर सेम है रेडियस जानना है, द डिस्टेंस जो होता है, द रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, मैंने मतलब उस स्पीयर का जो रेडियस है वही रेडियस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उस मिरर का जिसका वह पार्ट होता है, क्लियर है। इसके बाद आता है पोल, यह सेंटर पोजीशन ऑफ द मिरर, मतलब यह ऊपर दोनों के बीच यह पूरा जो सेंटर होता है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट करती है, तो दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, क्लियर। अब आते हैं हम लोग, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती हुई जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है आपका फोकस। फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड ए आकर के वहाँ मिलती हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट और अपीयर टू डाइवर्स, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। ये ध्यान में रहे कि यह प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट है जिस पर जो रिफ्लेक्टेड रे है आकर के मिलती हैं या वहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। नंबर नेक्स्ट, अब आता है फोकल लेंथ। तो फोकस और आपका पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह आपका फोकल लेंथ होता है। क्या है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकस पता चल गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ P मतलब क्या है, P मतलब पोल, C मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका कुछ ऐसा टर्म्स है जो हमें पढ़ना है था और हमने इसको सीखा है। तो इस तरह से आपका वह प्रिंसिपल, ये दोनों केस में हम लोग देख डिस्कस कर सकते हैं। ये जो भी टर्म्स हमने आज सीखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, यह दोनों केस में है, या चाहे वह कन्वेकेव हो या वह कन्वेक्स हो। अब आगे बढ़ते हैं, यदि अब रे ऑफ लाइट किसी स्फेरिकल मिरर से पास करती है तो क्या होता है। यदि वह रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ध्यान में रहे, यदि वह रे ऑफ लाइट पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस, याद रहे। यदि वह इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है तो वह पास करेगी किससे, फोकस के द्वारा के तरफ, और यह आपका ये कनकेव है और आपका ये कन्वेक्स है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। और वहाँ पे क्या होगा, अब इनके सब कन्वेक्स में क्या होगा कि जब वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल करेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह अपीयर टू डाइवर्स लगेगा कि वहाँ से फैल रही है, कहाँ से, वह फोकस से फैल रही है।
तो यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे डाइवर्स की हम एक को डिस्कस करते हैं, सिर्फ कनकेव को लेकर के ही चलते हैं। और यदि मान लीजिए ये बताया गया है कनकेव के केस में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, वह रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगी कहाँ, फोकस के द्वारा, फोकस से होकर के ही पास करेगी। नंबर दूसरा है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यदि प्रिंसिपल फोकस से गुजरते हुए वह इंसिडेंट करे, ध्यान में रहे, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल से होते हुए उस मिरर पे इंसिडेंट करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फिर ध्यान में रहे कि यदि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट क्या करती है उस मिरर पर थ्रू द प्रिंसिपल, तो पास करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे जब होगा कन की, ये तो आपका कन केव है, ये आपका कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स के केस में क्या है कि अपीयर टू डाइवर्स, डाइवर्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा होगा। अब आइए, यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के इंसिडेंट करती है, यदि वो लाइट रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से होते हुए उस लेंस पे आती है, सॉरी मिरर पे आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह उसी डायरेक्शन में फिर वापस चला जाता है। तो ये आपका कनकेव मिरर के केस में होता है और यह आपका कन्वेक्स के केस में भी होता है। फिर समझिए, यदि वह रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आए तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी डायरेक्शन उसी पाथ में वापस फिर चली जाएगी। एक फिर अब है, एक कुछ और पॉइंट है, यदि रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली मतलब एक एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करती है और वह पॉइंट पी पे आके इंसिडेंट करती है तो सेम डिस्टेंस वह क्या करेगी, वह ऑब्लिकली जो रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। यह जैसे मान लीजिए आई है तो ये आर है, यहाँ पे आर माने आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह दोनों हर समय इक्वल होगा, यह लागू होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में और यह आपका लागू होगा स्फेरिकल मिरर के केस में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।